क्या हुआ अर्श? मम्मा मैं पिरामिड बना रहा हूँ, बार बार गिर जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मम्मा? क्योंकि आपके पास फोकस नहीं है, जैसा एकलव्य के पास था। एकलव्य? वो कौन था मम्मी? बताती हूँ। कहानी हजारों साल पुरानी महाभारत के टाइम की है। हस्तिनापुर के वेस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ पे बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया था। वहाँ पे निषाद नाम की एक ट्राइब रहती थी। उस ट्राइब का चीफ था हिरण्यधनुष। ये ट्राइब शिकार करके खाती थी और शिकार करने में बहुत निपुण थी, इसलिए इस ट्राइब को हंटिंग ट्राइब भी कहते हैं। तो हिरण्यधनुष का एक बेटा था, उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य एक दिन बड़ा उदास एक कोने में बैठा था। उसके दोस्त वहीं पास में खेल रहे थे, मगर एकलव्य का मन कहीं और ही था। जब हिरण्यधनुष ने अपने बेटे को इतना उदास बैठा देखा तो उसके पास गए, उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास कोने में क्यों बैठे हो? अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलते और तुम शिकार करने क्यों नहीं जाते? तो एकलव्य ने कहा, बाबा मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं तीर और धनुष चलाना सीखना चाहता हूँ, एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम शिकारी हैं, मगर मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ। अब एकलव्य की बात सुनकर उसके पिता बड़े परेशान हो गए, क्योंकि जो वो बनना चाहता था वो उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि योद्धा बनना तो क्षत्रियों का काम था। एक शिकारी को योद्धा बनना कौन सिखाएगा? उस समय ऐसे ही होता था, हर काम के रिलीजन फिक्स थे। जैसे ब्राह्मण पूजा करते थे, वैश्य बिजनेस करते थे, तो क्षत्रिय युद्ध करते थे। पर एकलव्य ने तो जैसे ठान ली थी कि उसे तो योद्धा ही बनना है, और दृढ़ निश्चय करके वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल चला गया उनसे धनुर्विद्या सीखने। तो जब वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचा तो उसने देखा द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो वो द्रोणाचार्य के पास गया और उनको प्रणाम करा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब एकलव्य ने कहा, मैं निषिद्ध प्रमुख हिरण्यधनुष का पुत्र एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। मगर द्रोणाचार्य ने उसे विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि तब का सिस्टम ऐसा ही था ना, वो क्षत्रिय नहीं था। बेचारा एकलव्य ऐसे ही वापस लौट गया। मगर एकलव्य ने हार नहीं मानी, वो जाके जंगल में सोचने लगा, तो क्या हुआ गुरुदेव ने मना कर दिया, मैं अगर प्रयत्न करता रहा तो जरूर धनुर्विद्या सीख जाऊंगा और अच्छा धनुर्धर बन जाऊंगा। फिर क्या था, वो अपने घर गया और उसके घर के पास जो नदी बहती थी वहाँ से उसने मिट्टी उठाई और गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, स्टैचू बनाई, और फिर रोज उनके सामने अभ्यास करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। वो रोज सुबह उठता, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करता और बड़े धैर्य और ध्यान से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता। तुम्हें मालूम है, इससे वो सिर्फ अच्छा धनुर्धर ही नहीं बना, बल्कि वो अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन गया। एक दिन एकलव्य जब अभ्यास कर रहा था तो एक कुत्ते की आवाज उसे बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। तो एकलव्य ने ऐसे तीर चलाए कि उस कुत्ते के मुंह में चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। उस दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ भी उस जंगल में घूमने आए थे। उन्होंने देखा तो वो बड़ा चकित हो गए, अरे वाह, उन्होंने कहा, ये काम तो किसी बहुत ही बढ़िया धनुर्धर का है, इसे तो ढूंढना पड़ेगा। बस फिर द्रोणाचार्य
और उनके सारे शिष्य मिलके उस धनुर्धर को ढूंढने लगे। तो थोड़ी दूर उन्हें एकलव्य मिला। तो एकलव्य के पास जाके द्रोणाचार्य ने पूछा, तुमने इतनी उत्तम श्रेणी की शिक्षा कहाँ से हासिल की? कौन है तुम्हारा गुरु? तो एकलव्य ने गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा, आप मुझे पहचाने नहीं गुरुजी, मैं वही एकलव्य हूँ जो कुछ वर्षों पहले आपके पास आया था आपसे धनुर्विद्या सीखने। और फिर एकलव्य ने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति दिखाई और कहा, देखिए ये सब आप ही के आशीर्वाद का फल है। अब गुरुजी एकलव्य की निष्ठा और प्रयत्न से बहुत प्रसन्न भी हुए, मगर चिंतित भी, क्योंकि गुरुजी ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। और गुरुजी को अब दिख रहा था कि एकलव्य एक बहुत उच्च श्रेणी का धनुर्धर बन चुका है, पर अपने वचन से बंधे हुए गुरुजी यहाँ एक कड़ा निश्चय करने पर विवश हो गए। क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था, किसी को दिया हुआ वचन इतना इम्पोर्टेंट होता था कि जान चली जाए मगर वचन नहीं टूटना चाहिए। तो गुरुजी अपने वचन से विवश थे। तो द्रोणाचार्य ने कहा, ये अच्छी बात है कि तुमने मेरी प्रतिमा से ये शिक्षा प्राप्त की, मगर उस हिसाब से मैं तुम्हारा गुरु हुआ तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु की मन की बात से अनभिज्ञ एकलव्य छट से तैयार हो गया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि अगर एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया तो फिर वो तीर कमान कभी नहीं चला पाएगा। सभी गुरुजी की बात सुनकर एकदम चकित हो गए, मगर गुरुजी की आदेश का पालन करते हुए छट से एकलव्य ने अपना अंगूठा काटा और गुरु को समर्पित कर दिया। दुखी मन से गुरुजी और उनके शिष्य वहां से चले गए। तो क्या मम्मा एकलव्य कभी तीर धनुष नहीं चला सका? नहीं, यही तो एकलव्य की स्पेशलिटी थी। उसने फिर भी हार नहीं मानी, वो फिर भी प्रयत्न करता रहा। वो बिना अंगूठे के भी तीर कमान चलाने का कोशिश करता रहा और एक दिन ऐसा आया जब वो बिना अंगूठे के तीर कमान चलाना सीख गया और इतना फेमस हो गया कि दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि फैल गई। जब गुरु द्रोणाचार्य को ये पता चला तो उन्होंने मन ही मन ईश्वर से बहुत क्षमा मांगी और एकलव्य को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो समझे तुम अर्श, काम चाहे कितना भी कठिन हो लेकिन अगर हम पूरे कंसंट्रेशन और फोकस से उसे करते हैं तो जरूर सफल होते हैं। अब तुम पिरामिड बनाते बनाते फोन में भी देख रहे थे, तुम्हारा फोकस बटा हुआ था, है ना? अगर तुम पूरे कंसंट्रेशन से पिरामिड बनाओगे तो जरूर सफल हो जाओगे। हाँ, ट्राई करो। ठीक है मम्मा, जब तक ये पिरामिड बनता नहीं मैं तब तक ट्राई करता जाऊंगा। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल माइंड वॉल।